विश्व हिंदू परिषद महानगर के दोनों भाग उत्तरी एवं दक्षिणी की संयुक्त बैठक शुक्रवार को आर्यनगर स्थित एक इंटर कॉलेज के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और प्रयास से राम मंदिर आंदोलन अपने पूर्णता की तरफ अग्रसर है। आज राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए चलाया गया अभियान विश्व में कीर्तिमान बनाने जा रहा है। ऐसे में हम सब हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का दायित्व और भी बढ़ जाता है। आज हमको हिंदू समाज को संगठित करने के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने की भी आवश्यकता है। आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद गांव-गांव में जाकर रामधुन जगाते हुए राम जन्म उत्सव के कार्यक्रम को मनाने वाला है। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव की समितियों को राम जन्म उत्सव में पूर्व कर वहां पर राम जन्मोत्सव कार्यक्रम संपादित करने के कार्य करेगा। बैठक में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री समरसता ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उत्तरी भाग के संचालक प्रभुनाथ, प्रांत समन्वय प्रमुख विश्व प्रताप सिंह, प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख डॉक्टर डी के सिंह, माया गुप्ता, विनीता पांडे, रागनी श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, जो विश्व हिंदू परिषद ने सौगंध उठाई थी और सौगंध को पूरा किया, ऐसा वातावरण बनाया कि पूरा समाज एकीकृत होकर के केवल राम मंदिर के विषय में सोचता था। और वो दिन भी आ गया जब कोर्ट ने हम सबके कानों में वो ध्वनि सुनाई थी टीवी के माध्यम से। कोर्ट ने कहा कि श्री राम जी का जन्म वही हुआ था और वहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। वो सारी वाणी कोर्ट के जज वही बोल रहे थे जो वर्षों से हमारे वो श्वेत वस्त्रधारी संत बोल के चले गए, जो हमेशा कहते थे कि एक दिन वहाँ पे सब लोग कहेंगे कि राम जन्म का जन्म नहीं हुआ था। तो दिग्दिगंता तक एक उदाहरण का स्वरूप होगा। उसके लिए स्वयं सेवक बंधु पूरा संघ परिवार लगा और उन्होंने 84 दिन तक ऐसा कार्य किया, ऐसा काम चलाया, ऐसा अभियान चलाया जिसकी पूरे विश्व में आज चर्चा हो रही है। हम सब लोगों ने एक एक दरवाजे पर जाकर के हिंदुओं से उसकी स्वेच्छा उसकी सामर्थ्य के अनुसार 10 रुपए से लगा करके करोड़ों रुपए तक हम लोग ने भगवान श्री राम के चरणों के लिए अर्पित करने के लिए लिया, निवेदन किया, आग्रह किया, उनसे प्राप्त किया। हम सबके भाग्य के प्रयास से आज हम उस स्थिति में पहुंच गए कि राम मंदिर का निर्माण ऐसा होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सोचेंगी कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या चीज करते गए। लेकिन हमारा काम अभी रुका नहीं है, अभी ऐसे बहुत से काम हैं जो हमको करना बाकी है, बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं जो हिंदू समाज को आगे देखना है। हिंदू समाज क्या उसके लिए तैयार हो पाएगा? हिंदू समाज को हमको तैयार करना है। छोटी छोटी व्यवस्थाओं में, छोटी छोटी परेशानियों में देखते हैं हिंदू समाज किस तरह से बिगड़ जाता है। आज हिंदू समाज जात पात और तमाम उलझनों में फंसा हुआ है। आज इस योजना बैठक के माध्यम से हम अपनी पुरानी जो हमने कार्य किए हैं हम उसकी आज समीक्षा करेंगे। आज गोरखपुर महानगर के दो भाग उत्तरी और दक्षिणी की योजना बैठक यहाँ हुई है। इसमें विश्व हिंदू परिषद के आने वाले 6 माह के कार्यक्रमों की योजना नगर सह तैयार की गई है, जिसमें मुख्य कार्यक्रम राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम, जो अभी हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया था राम मंदिर के निर्माण की निधि समर्पण अभियान के, उसके अनुवर्ती क्रम में हम लोग हर एक मोहल्ले में राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम करने की योजना आज यहाँ पर हम लोग ने बनाया है। साथ ही में अन्य कार्यक्रम जो है दुर्गाष्टमी वगैरह के कार्यक्रम, इन सब की योजना हमारे सौर प्रशिक्षण वर्ग मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी का और बजरंग दल का जो सौर प्रशिक्षण वर्ग है तो उसकी योजना बनी है। और साथ में नए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए कुछ यहाँ पर नई घोषणाएँ भी हुई हैं, जिसमें नगर की घोषणाएँ और जिले की घोषणाएँ सम्मिलित हैं। नए सदस्य बना रहे हैं, नए सदस्य ही जो हम लोग को मिले हैं राम मंदिर अभियान के फलस्वरूप, उनको आज यहाँ पर घोषित किया गया, उनको विभिन्न दायित्व दिया गया है।